सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई फाइनली आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और भाई ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है भाई क्लोज रेंज के ऊपर। लाइक क्लोज रेंज से भाई रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, तुम्हारा भाई है ना सारी इस वीडियो में क्लियर कर देगा। और मतलब चिट्ठा खोल देगा भाई क्लोज रेंज का। सो भाई मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड भाई देखो, मोस्टली लोगों को जो है ना क्लोज रेंज ना भाई बहुत ज़्यादा वीक होता है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस की थी, मैंने भी ये चीज़ फेस की थी, मेरा भी क्लोज रेंज एकदम टट्टी था। तो भाई क्या क्या चीज़ें मैंने, क्या क्या हैक्स मैंने यूज़ किए, लाइक हैक्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि स्क्रिप्ट यूज़ कर लो, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की अपनी क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने में। सो वो सारी चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि भाई मेरा क्लोज रेंज आप पहले की वीडियोज़ में देखोगे ना जाके, मतलब मैं हक देता था यार क्लोज रेंज में, मैं स्कोप ओपन कर दिया करता था मेन थिंग। सो वो सब चीज़ों को मैंने कैसे अवॉइड किया, कैसे कैसे मैंने सीखा, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने अपनाई जिससे मेरा क्लोज रेंज अच्छा हुआ। सो वो सारी चीज़ें है ना भाई तुम्हें आज पता चलने वाली है। सो मेक श्योर भाई आप चैनल पे अगर नए आ गए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और भाई मतलब मोटिवेशन मुझे मिलेगी तो भाई ऐसे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर आते ही रहेंगे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग यहाँ पे जो वीडियो होने वाली है ना भाई, वो पूरी बेस्ड रहेगी मेरे एक्सपीरियंस पे। लाइक मैंने कैसे इंप्रूव किया, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनाई, सो वो सारा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। सो शुरू करते हैं भाई। देखो क्लोज रेंज जैसे ही मेरे माइंड में आती है ना, तो भाई वहाँ पे मेरे लिए की चीज़ रहती है सबसे मेन, और वो है एम। लाइक आपकी क्रॉसर प्लेसमेंट होती है ना, जो आपको क्रॉसर दिखता है, आपको यहाँ पे एम दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का स्क्रीन पे बीचों बीच एकदम, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम क्रॉसर। क्रॉसर प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना भाई बंदे की, जितना ज़्यादा वो हेड कनेक्ट कर पाएगा भाई, उसका क्लोज रेंज है ना उतना ही ज़्यादा गॉड रहेगा। सो भाई क्लोज रेंज का जो सबसे मेन पिलर होता है भाई, वो ही एम ही होता है। मतलब ये पूरा गेम ही भाई एक्यूरेसी बेस्ड है, और भाई एक्यूरेट एम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज रेंज के हिसाब से। सो और भाई क्लोज रेंज की बात नहीं है, एम जो है हर जगह काम आता है। मतलब एम पे ही डिपेंडेंट है भाई, अगर आप किसी बंदे को हेड मार दोगे ना पहले दो, तो भाई वो बंदा आपको मार ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पूरा गेम है ना एक्यूरेसी का आ जाता है, एम का आ जाता है, हेड का आ जाता है। सबसे पहले हेड मारो और भाई तुम क्लोज रेंज जीत जाओगे। सो भाई सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपने एम पे। तो भाई एम परफेक्ट करने के लिए जब बहुत सारी ड्रिल्स है, तो ड्रिल्स की बात हम जो है या लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में भी पूरा पॉइंट टूट जाएगा वरना, तो लास्ट में करते हैं। सो भाई एम अपना इंप्रूव करो, एम इंप्रूव होते भाई तुम्हें ना क्लोज रेंज में कोई नहीं रोक सकता। लाइक क्लोज रेंज है ना अपने आप ही गॉड हो जाएगा तुम्हारा। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं भाई सेकंड पॉइंट की तरफ। सो भाई लोग आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है भाई आपकी मूवमेंट। भाई एक अच्छी मूवमेंट होना एक क्लोज रेंज फाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके पास एक अच्छी मूवमेंट नहीं है ना भाई, तो आप क्लोज रेंज में जीत नहीं सकते। अच्छा एम होना, अच्छी मूवमेंट होना भाई, ऐसा मत समझना कि अभी तो बोल रहा था कि अच्छा एम होना इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे मूवमेंट का भी उतना ही काम है जितना एम का काम है। सो भाई एक अच्छी मूवमेंट होना भाई क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मूवमेंट कैसी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भाई आप जिगल दे सकते हो, या फिर भाई आप एक अच्छा क्राउच फायर दे सकते हो। एंड भाई यहाँ पे आप जिगल के भी है ना दो टाइप्स होती है। एक जिगल होता है भाई फास्ट वाला, मतलब एकदम जो तेज़ी से हम जिसमें अपनी जॉयस्टिक मूव करते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ना भाई वो जिगल बिल्कुल ही बेकार है। उसको यूज़ करते हो ना अगर आप मतलब एकदम तेज़ी से अपनी जॉयस्टिक हिलाते हो, तो भाई वो आज के आज ही करना छोड़ दो, आधा आपका क्लोज रेंज वहीं से सही हो जाएगा। आपको जिगल देनी है भाई एकदम स्मूथली लेफ्ट एंड राइट, स्लोली स्लोली। उससे क्या होगा भाई, अगला बंदा है ना एम ही नहीं कर पाएगा अपने ऊपर। और फास्ट जिगल में क्या होता है, पूरी गोलियां है ना अपने आप अपने हेड पे आ जाती है। सो भाई आज की आज है ना, जिगल अपना चेंज करो, फास्ट जिगल छोड़ दो भाई, कुछ ही काम का नहीं है वो क्लोज रेंज में। क्लोज रेंज में क्या कहीं पे भी काम का नहीं है भाई। मूवमेंट ज़्यादा दिखाओ मत, आराम से भाई एक्यूरेसी बेस्ड गेम खेलो, तभी आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेल पाओगे। अदरवाइज आपको टाइम पास खेलना है, मॉन्टाजेस बनाने हैं जैसा मैं किया करता था, तो भाई वो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो फिर आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि होने वाला है भाई वेपन्स के ऊपर। अब भाई मानो ना मानो, एक अच्छा क्लोज रेंज बनाने के लिए, एक अच्छा गॉड क्लोज रेंज बनाने के लिए भाई एक अच्छी गॉड वेपन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई यहाँ पे गेम में जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी गन्स है क्लोज रेंज के लिए, ग्रोजा हो गई हमारी, एम की हो गई, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई वो जो गन्स है ना वो ड्रॉप में मिलती है हमें। अब यहाँ पे देखो भाई M249 है ना, वो भी ड्रॉप में मिलती है, बट उसका नाम मैंने क्यों नहीं लिया भाई, वो नया अपडेट जब से आया ना उस गन का जो इन्होंने कचरा कर दिया। मतलब एमओ तो तुम्हें ज़्यादा मिल जाएगा बेशक, बट जो उसका डैमेज है ना भाई एकदम ही कचरा कर दिया, तो मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं रही है वो गन। सो या मैं उसको ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा यहाँ पे। हाँ तो ठीक है भाई, ड्रॉप में मिल जाती है हमें, तुम्हें मिल जाती है मतलब वो वाली गन्स MK एंड अपनी कौन सी ये ग्रोजा। तो भाई ये दो गन है ना भाई एकदम गॉड लेवल है, मतलब क्लोज रेंज में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और MK के ऊपर मैं हमेशा ग्रोजा पिक करता हूँ, क्योंकि भाई ग्रोजा है ना कभी है ना मतलब हगती नहीं है ज़्यादा। MK का क्या होता है, MK का हिप फायर है ना भाई, वो कभी कभी हग देता है, लेकिन ग्रोजा का है ना भाई एकदम एक्यूरेट रहता है, हमेशा हेड चिपकता है। सो या ग्रोजा इज़ बेटर देन MK 14।
सो ये हो गई हमारी ड्रॉप वेपन्स की बात। अब भाई हमेशा तो ड्रॉप मिलने से रहा हमको, इतनी किस्मत अच्छी कहाँ हमारी। सो फिर भाई आ जाती है हमारी दो गन्स, दो नहीं एक्चुअली तीन गन्स। तो उनमें कौन कौन सी गन्स हैं? सो भाई एक हो गई हमारी AKM, एक हो गई हमारी बैरल, एंड देन भाई मानो ना मानो उजी। तो भाई उजी को भी भाई मैं इतना ही अच्छा मानता हूँ ना जितना कि मैं AKM एंड बैरल को मानता हूँ। एंड भाई डुओ अगर मैं खेल रहा होता हूँ ना, डुओ में भाई मैं सबसे ज़्यादा जो प्रिफर करता हूँ ना M4 के साथ, लाइक M4 तो हमारा भाई मतलब परमानेंट है वो, तो कभी उसकी तो रिप्लेसमेंट आ ही नहीं सकती। बट जो AKM एंड बैरल की जगह मैं डुओ खेल रहा होता ना भाई, तब है ना मैं यूज़ करता हूँ उजी, क्योंकि भाई उजी भाई ऐसी गन है ना मतलब एकदम गॉड गन है भाई, वो कभी भी पीछे नहीं हटती मतलब इन दोनों गनों से। सो भाई एक बार उजी को ट्राई करो भाई, मतलब नशा हो जाएगा तुम्हें उजी का। सो ये हो गई हमारी उजी की बात। बाकी भाई देखो AKM एंड बैरल में से कौन सी यूज़ करें, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो भाई मेरी मानो ना अगर, तो भाई हमेशा AKM के साथ जाओ, क्योंकि भाई बैरल का इतना हिप फायर जो है एक्यूरेट नहीं है इतना ज़्यादा बॉडी को कनेक्ट नहीं कर पाता है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। एंड भाई AKM का है जो भाई एकदम मतलब कनेक्ट हो जाता है, आराम से हेड पकड़ता है। सो ये हो गई हमारी गन्स की बात। तो भाई अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है ना तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बाकी भाई अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ हम। सो भाई लोग हमारा चौथा जो पॉइंट होने वाला ना भाई, वो होने वाला है कवर के ऊपर। अब भाई देखो क्लोज रेंज हो, लॉन्ग रेंज हो, मिड रेंज हो, भाई सभी में ना आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है हमेशा, आप हमेशा कवर में होने चाहिए। भाई कभी भी देखो ओपन में जाके फाइट लोगे ना तो तुम्हारा मरना ऑब्वियस है, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस है तुम्हारे अगर सामने तीन बंदे हैं तो भाई तुम्हें तीनों बंदों में से भाई दोनों मतलब तीनों बंदे तीस का भी डैमेज देंगे तो भाई ऑब्वियस है तुम मर ही जाओगे। सो यार दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमेशा जो है ना कवर ढूंढो सबसे पहले। जैसे ही आपको गोली पड़ी सबसे पहले आप अपने आसपास देखो, जहाँ पे भी हार्ड कवर है भाई सीधे उसके पास जाओ, और देन भाई आप आराम से मचाओ, जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी वो यूज़ करो। एंड भाई देखो लिटरली सही में बता रहा हूँ, हमेशा कवर में फाइट लो, क्योंकि मेरी मैं आपको आदत बता देता हूँ, मैं क्या करता था जैसे ही बंदे दिखे वैसे ही भाई मैं घुस जाता था, मतलब तीन बंदे के फुटप्रिंट्स आ रहे हैं मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मैं सीधा घुस जाया करता था। एंड भाई फिर देखो मरना तो तय ही था, मर जाया करता था, एंड देन भाई फिर ऐसा सोचता था कि भाई क्लोज रेंज इंप्रूव ही नहीं हो रहा। तो भाई कहाँ से इंप्रूव होगा जब तुम तीन बंदों के सामने जाके होशियार बनोगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग, आपको हमेशा कवर ढूंढना है, एंड देन भाई आप चाहो जैसे फाइट लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसा भी आप फाइट करना चाहते हो फाइट करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर ढूंढ लो। सो या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी भाई आप बढ़ते हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम। सो भाई लोग हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है भाई, जो कि होने वाला है ड्रिल्स के ऊपर। अब भाई ड्रिल्स बताने से पहले मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, आपको क्या करना है भाई रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए TDM में जाना है, और TDM में जाते हुए टाइम भाई आपको जो है अपना SFX होता है ना भाई, जो साउंड होता है अपना मतलब गेम साउंड, वो पूरा कम कर देना। अब चाहो तो आप भाई उसके साथ देखो गाने सुन सकते हो, Spotify करके गा पाता है, उस पर आप ऑनलाइन म्यूज़िक चला सकते हो जैसा कि मैं करता हूँ, मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ यहाँ पे। सो वैसा कर सकते हो आप, अदरवाइज आपको अगर गाने नहीं सुनने तो भाई देखो साउंड पूरा कम कर दो गेम का, एंड देन भाई प्रैक्टिस करो। और एम असिस्ट है ना भाई ध्यान से भाई ऑफ करके ही प्रैक्टिस करना TDM में। अब भाई क्लासिक के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्लासिक में सबको KD मेंटेन करना रहता है, मारने पड़ते हैं बंदे, तो वहाँ पे भाई आप आराम से एम असिस्ट ऑन करके खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितनी देर आप TDM खेल रहे हो ना, जितनी देर भी आप किसी के साथ भी 1v1 कर रहे हो, 2v2 कर रहे हैं, भाई RP में देखो 7 day वाला रूम कार्ड मिलता ही है तुम्हें, तो एक्टिवेट करो बढ़िया, और भाई एकदम है ना एम असिस्ट ऑफ करके, और जैसा मैंने बताया म्यूजिक वगैरह ऑफ करके, तो भाई वैसे प्रैक्टिस करो भाई, एकदम है ना नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा क्लोज रेंज। 7 day का रूम कार्ड मिलता है, 7 day अगर तुमने जचा के प्रैक्टिस कर लिया ना, अगर भाई लिटरली बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत ज़्यादा किया है, तो भाई एकदम है ना मतलब क्लोज रेंज पे तुम्हारा हाथ ऐसा बैठ जाएगा ना भाई सीधे के सीधे हेड पड़ेगा। तो भाई ये हो गई बात एक। अब भाई एक टिप और बता देना चाहता हूँ मैं आपको इसके साथ में, आपको कभी भी है ना हेड मार रहे हो ना, तो हेड से ना ऊपर थोड़ी सी गोली रखो, मतलब एम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है गोली नहीं एम। सो एम है ना भाई थोड़ा सा हेड से हमेशा ऊपर रखने की ट्राई करो, उससे होगा क्या, जैसे आपका एम असिस्ट ऑन होगा ना तो एम असिस्ट अपने आप जो है ना एम को नीचे लाएगा बॉडी के ऊपर, और उस टाइम होगा क्या हमारा एम जो कहाँ था वो था हेड से ऊपर, तो भाई हेड पे अपने आप आपका एम जाएगा, एंड देन भाई क्लोज रेंज मस्त हो जाएगा। सो या ये आपको टिप मैंने बता दी, जस्ट एक मेरे दोस्त ने भी मुझे बताई थी ये, तो मैंने आपको बता दी, और मैंने इसको ट्राई किया तो भाई मुझे सही में इफेक्टिव लगा, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। सो भाई लोग इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर भाई, जो कि होने वाला है ड्रिल्स के ऊपर। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो यहाँ पे भाई जो मैं फालतू ड्रिल्स आपको बता के पकाने वाला नहीं हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज रेंज की ड्रिल्स बताऊँगा, मतलब ड्रिल्स भी ज़्यादा नहीं है, बस 2 drills बताने वाला हूँ आपको, वही आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड भाई उसी से आपका क्लोज रेंज इंप्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इन क्लोज रेंज, तो यहाँ पे भाई ये चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भाई उतना ही ज़्यादा आपका
हिप फायर अच्छा होगा। अब भाई देखो क्लोज रेंज में सभी को पता है भाई, लिटरली सभी को पता है हिप फायर का ही काम होता है। यहाँ पे आप भाई क्लोज में जैसे आपको बंदा दिखेगा तो आप ऑब्वियस उसके ऊपर आप स्कोप तो नहीं खोल दोगे ना मुंह पे, वहाँ पे आप दोगे हिप फायर, तो ये बताने वाली चीज़ है नहीं, ये जस्ट कॉमन सेंस है। सो आप मेरी चीज़ मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो भाई आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। सो या ये आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा आपके हिप फायर को। और भाई यहाँ पे आप चाहो तो क्राउच फायर दे सकते हो या फिर आप नॉर्मल जिगल दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग जिगल, क्योंकि फास्ट वाला जिगल हमें अवॉइड करना है हमेशा। सो या गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई गेस मैंने सारे जो पॉइंट्स है ना जो क्लोज रेंज में मेन होते हैं वो क्लियर कर दिए यहाँ पे। बाकी भाई कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना भाई उसमें मैं उसको फीचर कर दूंगा। सो भाई अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना भाई, वो आने वाली है 1v4 सिचुएशन के ऊपर। लाइक कई लोगों को क्या, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई तीन बंदे आसानी से मार देते, लास्ट बंदा है ना भाई वो कैसे भी करके जो है 1v4 बिगाड़ ही जाता है पूरा, या फिर 1v3 की सिचुएशन में जो लास्ट बंदा होता है वो बिगाड़ जाता है। सो भाई 1v4 सिचुएशन के ऊपर पूरा जो है ना डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। सो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अभी तक वीडियो देख रहे हो ना भाई तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।